हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। प्लीज आप ध्यान दीजिए मैं चैप्टर का नाम किस तरीके से बोलता हूं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इस चैप्टर का नाम फिर से बोलता हूं, लेकिन इस बार मेरा बोलने का तरीका और भी अलग होगा, बिकॉज चैप्टर के नाम में बहुत कुछ छुपा है। चैप्टर के नाम में बहुत कुछ छुपा है। लुक एट दिस, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो फर्स्ट यू सेट ऑफ ऑफ द लॉसेस, and if set off of not losses not possible, then carry forward the losses and then set off, carry forward and set off of losses. So practically the chapter is divided into two parts. First we have to set off of losses, and if set off of losses is not possible, then we have to carry forward and set off of losses. देखिए इस चैप्टर के बारे में बात करता हूं। चैप्टर का नाम आपने पढ़ लिया मेरे साथ, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ओके, अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े वो सब इनकम को कैलकुलेट करने से रिलेटेड थे, इनकम को, बिकॉज इनकम पर क्या लगता है, टैक्स। तो देखा जाए तो अब तक के सारे चैप्टर इनकम टैक्स की फेवर में थे, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग अवर इनकम। बट अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी फेवर का चैप्टर है, यानी कि असेसी की फेवर का चैप्टर है, बिकॉज यहां पर हम इनकम को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लॉसेस को कंप्यूट करने में इंटरेस्टेड है, लॉसेस को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि लॉ हमें परमिट करेगा, अलाउ करेगा उन लॉसेस को हमारी किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ करने के लिए। सो दैट जब हम टैक्स देने की बारी आएगी तो हम इनकम पर नहीं देंगे, पहले इनकम में से लॉसेस को माइनस करेंगे एंड देन बची हुई इनकम पर हम टैक्स देंगे। तो ये चैप्टर असेसी की फेवर में है, ये चैप्टर असेसी की फेवर में है। यहां पर अगर हमें लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस को हमें कंप्यूट करना है और उन लॉसेस का हमें फ्यूचर में या करंट ईयर में हमें सेट ऑफ मिलेगा, उनको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा एंड ऑल। ओके, अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। देखो, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। नाम बताओ एक करके, सबसे पहले कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है पीजीबीपी, फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम कैरी फॉरवर्ड तक पहुंच चुके हैं, हम ये सब पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताऊं जो सैलरी चैप्टर होता है इसके अंदर तो जो लॉस है वो आता ही नहीं। अगर आपको सैलरी चैप्टर याद हो तो हमने वहां डिस्कस किया था कि अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम निल लिखेंगे, क्योंकि सैलरी चैप्टर में लॉसेज नहीं आते, सैलरी चैप्टर में लॉस आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको याद हो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में तो लॉस आ सकता है, पीजीबीपी के चैप्टर में तो भाई बिजनेस करने वाले तो लॉस का सामना दिन रात करते हैं, लॉस आता ही आता है। कैपिटल गेन चैप्टर में भी लॉसेस थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पढ़े थे हमने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी लॉस आ सकता है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे इन चार हेड से बिलोंग करेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का क्या होगा, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले लॉसेस का सेट ऑफ कैसे होगा, कैपिटल गेन के लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, अदर सोर्स के लॉसेस का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, इस बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी वाला चैप्टर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है यहां पे? हाँ, नहीं है रेलेवेंट, बिकॉज जब लॉस ही नहीं होता उसके अंदर तो रेलेवेंसी क्या? तो इनकम फ्रॉम सैलरी को दिमाग से निकाल दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम यहां पर पढ़ेंगे ये पॉसिबल है ऐसा हो जाए कि लॉस किसी और चैप्टर का लेकिन इनकम किसी और चैप्टर में से सेट ऑफ हो रहा है, यह भी होता है इस चैप्टर के अंदर। यह भी होता है कि लॉस आपका किसी और हेड का है लेकिन इनकम कोई और हेड है वहां से सेट ऑफ हो रहा है,
तो हमारे पास लॉस फ्रॉम सैलरी तो कभी आता ही नहीं, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी हमें काम में आ सकती है। हो सकता है किसी और हेड का लॉस हमें हमारी सैलरी इनकम को कम करने में हेल्प करे और हमें बैलेंस पर टैक्स देना पड़े, पूरी सैलरी इनकम पर टैक्स ना देना पड़े। इसलिए इंपॉर्टेंट तो पांचों हेड ही रहेंगे, लेकिन जिन लॉसेस की बात की जाएगी, जो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड की बात की जाएगी, वो चार हेड के अंदर ही आते हैं, वो सैलरी के अंदर नहीं आता है लॉसेस। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जिन लॉसेस को हमें कंप्यूट करना है, जिन लॉसेस को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब वो कंप्यूट हो जाएंगे, जब वो कैलकुलेट हो जाएंगे, तो फिर हमें मिलेगा सेट ऑफ करने के लिए या कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने के लिए मिलेगा। तो वो लॉसेस है या तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या लॉस फ्रॉम द फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, या लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन, या लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, आई होप यहां तक का इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आगे लिखा है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। देखिए, सबसे पहले हमें लॉसेस को सेट ऑफ करना है, मतलब सेट ऑफ का मतलब उसी साल, उसी असेसमेंट ईयर में, जिस ईयर में लॉस हुआ है उसी असेसमेंट ईयर में हमें उसे सेट ऑफ करना है। हमारे पास ओवर इनकम है तो हमें उसे सेट ऑफ कर देना है, अगर लॉ हमें अलाउ करता है उस इनकम से सेट ऑफ करने के लिए तो। लेकिन अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता, बिकॉज इनकम है ही नहीं या इनकम बहुत ही कम है, तो हम सेट ऑफ कैसे कर लेंगे? लॉसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। अगर लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाते तो फिर हमें मौका मिलेगा उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगले साल हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले आप एक काम करिए, सेट ऑफ कर लीजिए, सेट ऑफ नहीं हो पाते तो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड के बाद एंड सेट ऑफ लिखा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है और साथ में सेट ऑफ भी करना है। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो मैं पहले वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं सेट ऑफ का। जब सेट ऑफ खत्म हो जाएगा तो मैं कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करूंगा। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। नंबर टू, इंटर हेड एडजस्टमेंट। देखो, एक होता है इंट्रा हेड, एक होता है इंटर हेड। जो इंट्रा हेड होता है ना, वो होता है विद इन द सेम हेड, और जो इंटर हेड होता है ना, वो होता है बिटवीन टू हेड। इंट्रा, इंट्रा विद इन सेम हेड। मेरे पास दो मकान है, दो हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऑब्वियसली चाहे मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, दोनों आती तो मेरे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही है। एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ, ये लॉस इसी हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करना, यानी कि इंट्रा हेड सेट ऑफ करना। सेम हेड के अंदर कोई और इनकम है तो वहां से सेट ऑफ कर लेना। इंटर हेड सेट ऑफ करना, इंटर हेड का मतलब इनकम इस हेड की है, लॉस किसी और हेड का है, या लॉस इस हेड का है, इनकम किसी और हेड की है, तो वो भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो पहले हमेशा इंट्रा हेड किया जाएगा, पहले इंट्रा हेड किया जाएगा। अगर इंट्रा हेड पॉसिबल नहीं है, अगर इंट्रा हेड पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेम हेड में आपके पास इनकम अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप इंट्रा हेड कर लो। ऑप्शन नहीं बोलूंगा, तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा इंटर हेड एडजस्टमेंट करके, यानी कि दूसरे हेड से सेट ऑफ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज याद रखना, इंट्रा का मतलब बिटवीन सेम हेड, विद इन सेम हेड, और इंटर हेड का मतलब बिटवीन टू हेड, वन हेड टू अनदर हेड। वैसे भी आपने इंटर हेड जैसा शब्द तो सुना ही होगा, जैसे इंटरनेशनल मैच बिटवीन टू नेशन, जैसे इंटर कास्ट मैरिज बिटवीन टू कास्ट, जैसे इंटरफेयर अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में, दैट इज कॉल्ड इंटरहेड। इंटरहेड मतलब बिटवीन टू हेड्स। तो इंट्राहेड विद इन सेम हेड, इंटरहेड एडजस्टमेंट बिटवीन विद इन डिफरेंट हेड्स। इंट्राहेड इज गिवन अंडर सेक्शन 70, इंटरहेड एडजस्टमेंट गिवन सेक्शन 71। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्राहेड एडजस्टमेंट। यहां पर ये लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70 शुरू कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। वेयर द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स, दे आर यूजिंग द वर्ड सोर्स। देखो, सोर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी वन है और एक हाउस प्रॉपर्टी टू है, ठीक है? तो हाउस प्रॉपर्टी वन भी एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी टू भी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है?
और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये मेन हेड है, मेन हेड है मेरा, हेड ऑफ इनकम है। तो एक हेड ऑफ इनकम है जिसके अंदर दो सोर्स है, हाउस वन हाउस टू, वेयर द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स। वो कहता है किसी सोर्स का जो नेट रिजल्ट है फॉलिंग अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, मैंने हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, वो कह रहा है किसी भी हेड की बात कर लो, मैंने हाउस प्रॉपर्टी ले लिया अदर देन कैपिटल गेन, वो कह रहा है कैपिटल गेन की बात मत करना, मैंने कैपिटल गेन की बात की भी नहीं, मैंने तो हाउस प्रॉपर्टी की बात की है। तो वेयर द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स फॉलिंग अंडर एनी हेड ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन इज ए लॉस। वो कहता है अगर लॉस है, अगर नेट रिजल्ट किसी भी सोर्स का लॉस है, मान लो यहां लॉस आया है, नेट रिजल्ट अगर किसी भी सोर्स का अगर लॉस है, the assessee shall be entitled, assessee को allowed है to have the amount of such loss set off, वो इस loss को क्या कर सकता है, set off कर सकता है against his income from any other source under the same head, against his income from any other source under the same head। तो वो same head के अंदर किसी और other source, मतलब किसी और source से जो हाउस प्रॉपर्टी टू है, मान लो यहां 10 लाख इनकम है, तो वो यहां से सेट ऑफ कर सकता है, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स बट अंडर द सेम हेड। देखो मैंने क्या कह रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ी लॉकी लैंग्वेज है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है मेरे को, मैं इस लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में क्रिएट कर देता हूं और आप वहां से पढ़ना प्लीज, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70। ये देखिए आप लोग यहां से पढ़िए, इफ देर इज ए लॉस, इफ देर इज ए लॉस From one source of income, अगर आपके पास एक source of income से loss है and there is a profit from another source of income, दूसरे source of income से आपके पास profit है, एक source of income से loss है, then the loss of one source can be set off। तो क्या कर सकते हैं आप, जो one source जहां loss था वो set off कर सकते हैं from the income of another source, जो दूसरे source से आपको income आई है वहां से set off कर सकते हैं, provided, लेकिन हमारी एक शर्त है, All the sources must fall under the same head of income। जितने भी sources है ना वो same head of income के अंदर आने चाहिए, same head of income के अंदर आने चाहिए, except the loss under the head capital gain, except the loss under head capital gain। अब देखो अगर मैं बात करूं इस example की, PGBP का मतलब business profession से होने वाली income, ये मेरा head of income है, PGBP is my head of income। अभी क्या हुआ ना, मेरे को क्लोथ बिजनेस से लॉस हुआ, क्लोथ बिजनेस मेरा अपने आप में एक सोर्स है, एक सोर्स है, यहां से मेरे को लॉस हुआ 9 लाख का, लेकिन ज्वेलरी बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट हुआ 12 लाख रुपए का। तो लोग कहता है अगर आपको वन सोर्स से लॉस है और अनदर सोर्स से इनकम है, वन सोर्स से लॉस है और अनदर सोर्स से इनकम है और दोनों सोर्स सेम हेड के हैं, सेम हेड के हैं, तो आप वो जो लॉस था ना उसे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर बैलेंस इनकम बचेगी तो वो आपकी टैक्सेबल होगी। 12 लाख रुपए जो आपका ज्वेलरी का इनकम है उस पर आपको टैक्स नहीं देना, पहले क्लोथ के बिजनेस से हुए लॉस को आपको सेट ऑफ करना है एंड देन बैलेंस 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। सो प्लीज टेल मी सेक्शन 70 इज क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए प्लीज सेक्शन 70 आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दूं, मैंने थोड़ा बता दिया आपको, स्टार्ट कर दिया चैप्टर मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, चैप्टर का नाम है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड सेकेंड इंटर हेड सेट ऑफ। इंट्रा मतलब विद इन सेम हेड, इंटर मतलब विद इन फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, इंट्रा हेड सेट ऑफ की बात करते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ यानी कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 70 क्या कहता है, इफ देर इज अ लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम एंड देर इज अ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम, इफ देर इज अ लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम एंड देर इज अ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम, देन द लॉस ऑफ वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ अनदर सोर्स।
then the loss of one source can be set off from the income of another source, provided all the sources must fall under the same head. For example, if you have a two business, both the business falling under the chapter PGBP, then if there is a loss from one business, you can set off it from the income of another business. That is allowed except the loss under head capital gain. कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए उन्होंने एक्सेप्शन बोली है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने बता दिया आपको कि अगर आपके पास कोई हेड ऑफ इनकम में एक से ज्यादा सोर्सेज है, एक सोर्स में लॉस है, दूसरे सोर्स में इनकम है, तो आप उस लॉस वाले जो उस सोर्स से जिसमें लॉस हुआ है, उस लॉस को आप दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, हमारी तरफ से अलाउड है कैपिटल गेन के चैप्टर को छोड़कर। आगे देखिए, However, there are certain exceptions to this rule. आइए प्लीज अब हम पढ़ेंगे exceptions, very very important exceptions to this rule. ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसका कुछ exceptions है. क्या पढ़ा है हमने? एक सोर्स से अगर लॉस है और दूसरे सोर्स से अगर इनकम है, तो पहले सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों सोर्स सेम हेड के अंदर फॉल करते हैं. यहां पर एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? अब जो नीचे पॉइंट्स आएंगे, यानी कि एक्सेप्शंस के अंदर पॉइंट्स आएंगे, उनमें आप यह बात ध्यान समझ लो, एक सोर्स से लॉस है, दूसरे सोर्स से इनकम है, तो भी ये लॉस हम आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे, इवन दोनों सोर्स सेम हेड ऑफ इनकम के अंदर आते हो, दोनों सोर्स तो भी नहीं करने देंगे. मैंने बोला क्यों नहीं करने देंगे? बोले तभी तो बोला एक्सेप्शन है, वरना तो हम भी बोल रहे हैं करने देंगे, लेकिन यहां जो नीचे हम एक्सेप्शन लिखेंगे उसमें नहीं करने देंगे हम, सॉरी उसमें हम आपको नहीं करने देंगे सेट ऑफ, बिकॉज हम बोल रहे हैं ये तो एक्सेप्शन है. पहली एक्सेप्शन है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस की. स्पेकुलेशन बिजनेस, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना. देखो सबसे पहले आप एक बात समझो, हमारे पास फाइव हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी में तो लॉस ही नहीं होता, चार हेड्स ऑफ इनकम है, फोर जो इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स. आप ये बताओ ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, थोड़ी देर में मुझे भी पता लगेगा आपके साथ, लेकिन तब तक के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, लेकिन मैं एक बात जान चुका हूं कि स्पेकुलेशन बिजनेस का जो पॉइंट है वो एक्सेप्शन के अंडर है. और अब भले ही मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन मुझे एक बात आ गई है कि अगर लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से हुआ है तो वो इसी जो जिस हेड में भी ये लॉस आता है, जिस हेड का भी ये सोर्स है जहां से लॉस हुआ है, ये किसी उसके दूसरे सोर्स से भी सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये सेट ऑफ नहीं होगा स्पेकुलेशन बिजनेस. बट सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने वाली है, ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस है ना, दिस कम्स अंडर द हेड पीजीबीपी. ये पीजीबीपी के अंदर आता है. स्पेकुलेशन लॉस पीजीबीपी का लॉस है, स्पेकुलेशन लॉस पीजीबीपी का लॉस है. ओके ये क्लियर है. स्पेकुलेशन बिजनेस जो होता है वो पीजीबीपी का चैप्टर है, ऑब्वियसली यहां लिखा भी हुआ है बिजनेस. तो हम तीसरे हेड के अंदर है, हम तीसरे हेड की बात कर रहे हैं बेसिकली. ओके अब मैं आपको बताता हूं स्पेकुलेशन बिजनेस होता गया है. यहां पर मेरे पास स्लाइड है बिल्कुल साथ में बनी हुई, वो आपको दिखाता हूं प्लीज. इस पे आ जाइए आप लोग, आपकी बुक में तो होगी साथ साथ. लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस, अभी आप अंदाजा मत लगाना स्पेकुलेटिव बिजनेस का, क्योंकि अगर आपने अंदाजे लगाना शुरू कर दिया, पता नहीं कौन कौन से लगाएंगे आप. स्पेकुलेशन का मतलब सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन का मतलब शर्त लगाना, कैसीनो, गैम्बलिंग, ये सब नहीं होता. मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया था, वो स्पेकुलेशन नहीं होता. स्पेकुलेशन बिजनेस कुछ और होता है. स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन जो होती है वो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है. स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर इन पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड ऑफ अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स. लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इन अदर वर्ड्स पढ़िए. इन अदर वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, ऊपर का मैंने बेरेक्ट में से कॉपी किया हुआ है मीनिंग.
इन अदर वर्ड्स परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी इज नोन एज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे ना तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जिस कॉन्सेप्ट का नाम है T+2। टी का मतलब होता है डे ऑफ ट्रेडिंग, जिस दिन आपने शेयर बाय किया, और दो दिन लगते हैं उस शेयर्स को आपके अकाउंट में आने में। पहले आप शेयर्स खरीदते हैं और दो दिन लगते हैं आपको डिलीवरी मिलने में, दो दिन के बाद वो आपके अकाउंट में डिस्प्ले होता है कि आपके दो शेयर आपने शेयर परचेज कर लिए, एंड देन आप उसे बेचेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, पहले शेयर खरीदेंगे, वो शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि आपको डिलीवरी मिल जाएगी शेयर्स की, एंड देन आप उसे सेल करेंगे, तो ये जो परचेज एंड सेल है ना, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है। क्योंकि यहां पर जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बाइंग सेलिंग कर रहे हो, वो आफ्टर टेकिंग डिलीवरी कर रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट्स में ब्लाइंड परचेज सेल भी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे ट्रेडिंग, आज खरीदा आज ही बेचा, आज खरीदा आज ही बेचा, आपके अकाउंट में नहीं आते शेयर्स। अगर आप बाइंग सेलिंग इस तरीके से करते हैं जहां आप शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हैं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते हैं और बिना डिलीवरी लिए ही उसे बेच देते हैं, इवन शाम तक उसे कंप्लीट कर देते हैं, अगर आपने सुबह परचेज किए तो आपको शाम तक बेचने पड़ेंगे उसे। अगर आपने नहीं बेचे फिर वो आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप उसे शाम तक बेच देते हैं, सौदा बराबर कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, तो अब जो प्रॉफिट लॉस आएगा ना इस इंट्राडे ट्रेडिंग से, बेचने खरीदने से, इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। मैं फिर बता दूं, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब है व्हेन यू आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज। कमोडिटी वो जो MCX मार्केट होती है, वहां पर गोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिकता है कि आपने इतने किलो गोल्ड खरीद लिया, बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया, एंड ऑल कमोडिटी, वीट, ज्वार, ये इस तरह गेहूं वगैरह आइटम भी वहां पर कमोडिटी में सेल होती है। तो सिंपल स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब है व्हेन यू आर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते, देन जो प्रॉफिट और लॉस आएगा दैट इज स्पेकुलेटिव, उसे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहेंगे। उससे लॉस आएगा तो वो स्पेकुलेटिव लॉस होएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज। मैं फिर बोलता हूं, हम शेयर मार्केट में जब डील करते हैं तो हमारे पास दो तरह की चॉइस होती है। आप शेयर्स परचेज करते हैं, डिलीवरी आपके अकाउंट में आएगी, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे आपको कब बेचने हैं। दो महीने बाद बेचो, तुरंत बेचो, आपकी मर्जी, डिलीवरी आपके अकाउंट में आएगी उसके बाद। दूसरा, आपने परचेज किए सुबह, शाम तक आपको बेचने पड़ेंगे अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए, शाम तक आपको उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा, बाइंग का सेटलमेंट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल सीधा किए तो बाय करने पड़ेंगे आपको पहले उसी दिन। तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और इसे कहते हैं एक तरह से स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन हाउएवर डेरिवेटिव ट्रेडिंग दैट इज F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन कैरिड आउट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। F&O क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। F&O में ब्लू चिप कंपनीज होती है, बढ़िया वाली कंपनीज होती है, अच्छी कंपनी होती है F&O में, ब्लू चिप कंपनीज होती है सारी। F&O में क्या होता है कि जैसे प्राइमरी मार्केट होती है हमारी, एक F&O मार्केट होती है। F&O में आप शेयर्स खरीदते हैं, आपको डिलीवरी नहीं मिलती, लेकिन आपको सेम डे पे सेटल नहीं करना होता, आपको हर थर्ड थर्सडे पे शेयर्स बेचने होते हैं, आपको लॉट्स में शेयर मिलते हैं, लॉट्स के अंदर यहां पर, लेकिन आपको शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिलती, ये भी विदाउट डिलीवरी मिलते हैं। लेकिन जो F&O है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, F&O में सारी ट्रस्टवर्दी कंपनीज है, इंपॉर्टेंट ब्लू चिप कंपनीज है, बढ़िया कंपनीज है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ना F&O को प्रमोट करती है, F&O को प्रमोट करती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप F&O में डील करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली मार्केट में डील करते हैं जहां सारी ब्लू चिप कंपनी है, हालांकि डिलीवरी आपको वहां भी नहीं मिलती, लेकिन वहां पर हम आपकी बिजनेस को ना स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे, उसको हम नॉन स्पेकुलेटिव मानेंगे। तो स्पेकुलेटिव कब मानेंगे? जब आप उस वाली मार्केट में डील करते हो जहां बाइंग एंड सेलिंग आपको सेम डे पर सेटलमेंट करना होता है, वो भी विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, बिना एक्चुअल डिलीवरी लिए आपको सेम डे पर सेटल करना होता है, दैट इज कॉल्ड
स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, लेकिन एफएनडो को स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में भी होती है, फॉर डॉलर्स के रेट बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, तो ब्लाइंडली परचेज किया जाता है, इतने डॉलर खरीद लिए इतने बेच दिए, तो ये भी लॉट्स में मिलते हैं, तो इनको भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना गया है, इनको भी नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बिजनेस माना गया है। देखिए प्लीज, एग्जाम में कभी नहीं आता कि बताइए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। दे नेवर आस्क कि बताइए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। एग्जाम में आता है कि बताइए अगर स्पेकुलेशन का लॉस है। देखिए एग्जाम में कभी भी नहीं आता कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है या स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है। एग्जाम में क्या आता है कि अगर स्पेकुलेशन लॉस है तो क्या वो सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किससे होगा, नहीं होगा तो किससे नहीं होगा। Is it clear? ये आता है। लेकिन फिर भी स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, कैसे पता लगता है स्पेकुलेशन लॉस है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये हम लोगों ने कर लिया। आइए अब मैं आपको बताता हूं, लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस, ध्यान देना प्लीज, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ हो सकता है, अभी तो कहते नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है सेट ऑफ नहीं हो सकता, पर अभी कह रहे हैं हो सकता है। तो स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ बट ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन इनकम, हो सकता है लेकिन सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से, और किसी इनकम से नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन इनकम, स्पेकुलेशन लॉस नॉन स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब देखना प्लीज, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल विल मेक इट मोर क्लियर। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस मेरा हेड होगा पीजीबीपी, मेरे दो बिजनेस है, एक बिजनेस ज्वेलरी का है और एक बिजनेस मेरा शेयर्स का है, तो शेयर्स वाला मैंने माना है स्पेकुलेटिव और ज्वेलरी वाला मेरा नॉन स्पेकुलेटिव। यस, ज्वेलरी तो नॉन स्पेकुलेटिव होता है, अगर मैं कोई ज्वेलर हूं और मैं दुकान से सोने का सामान बेचता हूं तो भाई वो तो मेरा नॉन स्पेकुलेटिव है ना। वो जो मैंने बोला था ना गोल्ड बेचते हैं, वो तो एमसीएक्स मार्केट होती है, ऑनलाइन मार्केट, वो होता है ज्वेलरी, मतलब गोल्ड का जो बिस्किट वगैरह सेल होते हैं स्पेकुलेटिव, ये नहीं होता। आम ज्वेलरी का, क्लोथ का, किराने का, जितने भी बिजनेस है वो सब नॉन स्पेकुलेटिव होते हैं। स्पेकुलेटिव कौन से होते हैं, शेयर, सिक्योरिटीज, कमोडिटी, इफ बाइंग एंड सेलिंग विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, ओनली देन दे विल बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव। तो मेरा शेयर्स का बिजनेस है जो स्पेकुलेटिव है, मेरा लॉस हो गया 6 लाख का, मेरा लॉस है 6 लाख का, जबकि मेरा ज्वेलरी का नॉन स्पेकुलेटिव है, मेरा प्रॉफिट है 8 लाख का। लोग कहता है ये लॉस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक्सेप्शन में आता है कि जो स्पेकुलेशन के लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से होते हैं, वो यहां सेट ऑफ नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन इनकम, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन इनकम। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास एक पीजीबीपी है, मतलब बिजनेस का हेड है, मेरे पास इसमें दो इनकम है, एक बिजनेस वन है मेरा, बिजनेस वन, और एक मेरा बिजनेस टू है, ठीक है। बिजनेस वन जो है वो भी मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस है, बिजनेस टू जो है वो भी मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस है। यस, मेरे दो डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं, शेयर्स के मैंने दो बिजनेस कर रखे हैं, यहां से मेरे को लॉस हुआ है 6 लाख का, यहां मेरे को प्रॉफिट हुआ है 8 लाख का, प्लीज टेल मी इट विल बी अलाउड एज सेट ऑफ और नॉट। आंसर इज यस, आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, डेफिनेटली अलाउड है, ये सेट ऑफ के लिए अलाउड है, 101% अलाउड है, बिकॉज स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन इनकम। चलिए प्लीज अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए, ये आंसर आपने बताना है और देन हम लोग आगे वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मेरे पास नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है और मेरे पास स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, दोनों बिजनेस है, स्पेकुलेटिव भी है, नॉन स्पेकुलेटिव भी है। नॉन स्पेकुलेटिव वाले से मुझे लॉस हुआ है 4 लाख का और स्पेकुलेटिव बिजनेस से मुझे इनकम हुई है 6 लाख की। प्लीज मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जहां से मुझे लॉस हुआ है 4 लाख का, क्या ये स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा? हां जी बताइए प्लीज, क्या लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस,
क्या मेरा लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द बिजनेस ऑफ स्पेकुलेटिव? आंसर इज यस और नो, बोलो 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 फटाफट, आंसर इज यस और नो, नहीं पता आपको, आंसर है यस, सेट ऑफ हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही लगा है कि सेट ऑफ नहीं होगा। वो कहते सर कैसी बातें करो, अभी तो आपने बोला था कि स्पेकुलेशन के बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन की बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो आप सेट ऑफ क्यों कर रहे हो? मैंने बोला, मैंने क्या बोला था जरा दोबारा बोलना, तुमने जो बोला वो सही बोला पर एक बार दोबारा बोलना। आपने कहा सर अभी तो आपने कहा था कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर बोलो, बोले सर आपने कहा था स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, मैंने कहा है स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, क्वेश्चन के अंदर ये तो बताओ कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कहां है। सर ये देखो ना दोनों अलग अलग है, तो मैंने अलग अलग है पर स्पेकुलेशन के बिजनेस का लॉस है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है ना, इस क्वेश्चन में स्पेकुलेशन के बिजनेस का लॉस है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो स्पेकुलेशन के बिजनेस की इनकम है 6 लाख। मैंने ये कब बोला था कि स्पेकुलेशन का, मैंने ये बोला था स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन से सेट ऑफ नहीं होता, मैंने ये थोड़ी बोला था कि नॉन स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन से सेट ऑफ नहीं होता, वैसा वर्षा थोड़ी बोला था मैंने, मैंने वैसा वर्षा थोड़ी बोला था, मैंने तो बोला था स्पेकुलेशन का लॉस दूसरे और नॉन स्पेकुलेशन से सेट ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों का लॉस स्पेकुलेशन से सेट ऑफ नहीं होगा। अरे भाई इंट्रा हेड एक दूसरे से सेट ऑफ होते हैं, इंट्रा हेड मतलब एक हेड के अंदर दो सोर्स हो तो एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स से सेट ऑफ होता है, सिर्फ स्पेकुलेशन वाला लॉस दूसरे सोर्स से सेट ऑफ नहीं होता, नॉन स्पेकुलेशन वाला तो सेट ऑफ होना बनता है भाई, वो तो बनता है। आइए देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो बात मैं बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, एग्जाम में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली। मैं बता रहा हूं, आप ना ये देखा करो कि लॉ मेकर किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सेट ऑफ होने से किसको रोक रहा है। वो कह रहा है स्पेकुलेशन लॉस तुम रुको, स्पेकुलेशन लॉस तुम रुको, तुम दूसरों से सेट ऑफ नहीं हो सकते, तुम स्पेशल पर्सन हो, हम तुम्हें दूसरों से सेट ऑफ नहीं होने देंगे, नॉन स्पेकुलेशन लॉस के लिए लॉ चुप है। लॉ ने कहा बोला कि नॉन स्पेकुलेशन लॉस तुम भी रुको, ऐसा बोला नहीं, लॉ ने बोला स्पेकुलेशन लॉस तुम रुको, तुम्हें दूसरों से सेट ऑफ नहीं होने देंगे, बिल्कुल बोला, ये थोड़ी बोला दूसरों को तुमसे सेट ऑफ नहीं होने देंगे, वो तो हो सकते हैं। प्लीज आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपने क्या ढूंढना है, लॉस कौन सा है, प्लीज मेरी बात समझना, बिकॉज अगर आपने ये ट्रिक समझ ली ना तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, ये बड़ी खास बात है। आप एक छोटी सी ट्रिक सीखनी है, वो ट्रिक क्या है सुनो सुनो ध्यान से, जिस लॉस का रेस्ट्रिक्शन दिया है ना अगर वो लॉस क्वेश्चन में हो तो आपको एक्टिव होना है, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, इसे वो यार रेस्ट्रिक्शन वाला है, अगर वो क्वेश्चन में है ही नहीं तो आप एक्टिव क्यों हो रहे हो, आप नॉर्मल अलाउ कर दो उसको, क्या प्रॉब्लम है। लो कहता है स्पेकुलेशन लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ओ तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेकुलेशन लॉस को लेकर लो थोड़ा सिंसियर सीरियस होना पड़े, ठीक है भाई दिखाओ क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में लॉस था नॉन स्पेकुलेटिव का, तो मैं सीरियस क्यों हूं भाई, वो तो क्वेश्चन ही नहीं आया जिसे लॉ ने रोका है, लॉ ने स्पेकुलेशन लॉस को दूसरों से सेट ऑफ होने के लिए रोका है, क्वेश्चन में स्पेकुलेशन लॉस है ही नहीं तो मैं चिंता क्यों करूं, मैं तो इसे इसी हेड के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से बड़े कंफर्टेबली सेट ऑफ कर दूंगा, डेफिनेटली सेट ऑफ कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि लॉस स्पेकुलेशन लॉस जो है वो किसी और सोर्स से सेट ऑफ नहीं होता, बट और लॉस और जो लॉस है यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव वो सेट ऑफ हो सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने कहा मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट सिटी से मेरी वीडियोस खरीदी है और वो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं ना एक सरप्राइज विजिट करूंगा, एक सरप्राइज विजिट करूंगा उनके घर जाऊंगा और देखूंगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी वीडियोस उन्होंने देख ली, नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे, साथ साथ बैठ के मैं चेक करूंगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के घर जाऊंगा, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे वो गोवा में पढ़ रहा हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, कहीं भी हो, मैं कुछ सिटीज में जाऊंगा और विजिट करूंगा और मेरे स्टूडेंट से पर्सनली मिल के आऊंगा कि उनकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पेशली मैंने ये सोच रखा है, पक्का आ रहा हूं मैं, पक्का आ रहा हूं, डोंट वरी। लेकिन क्या हुआ, ये मैंने सोचा है,
वाइस वर्सा नहीं है कि सर हम भी आए आपके घर मिलने, देखते हैं क्या होता है, क्या कर रहे हो आजकल। नहीं भाई, नहीं, सिर्फ मैं आऊंगा, आप नहीं आओगे। मैं आपके घर आ सकता हूं, आप मेरे घर नहीं आ सकते। मेरी बात समझना प्लीज, रिस्ट्रिक्शन आप पे है, आप नहीं आ सकते। मेरे पे नहीं है, मैं तो आपके घर भी आ सकता हूं। आप स्पेकुलेशन लॉस हो, आप मेरे घर नहीं आ सकते। मैं स्पेकुलेशन लॉस थोड़ी हूं, मैं तो आपके घर भी आ सकता हूं, नॉन स्पेकुलेशन वाले के भी और स्पेकुलेशन वाले के भी। प्लीज, स्पेकुलेशन लॉस किसी दूसरे नॉन स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ नहीं हो सकता, पर दूसरे लॉस स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ हो सकते हैं। हां जी, दूसरा, लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 35AD। हम लोगों ने एक बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर किया था, मुझे अच्छे से याद आपको आता होगा, बड़ा मजा किया था हमने उस चैप्टर के अंदर। वो सेक्शन 35AD पढ़ा था हमने, कुछ याद है? उसमें वो 14 बिजनेस थे, 14 बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज याद आया कुछ कुछ, वेयर हाउस थे, और फिर उसके अंदर वो हनी योयो हनी हनी सिंह हनी हनी वाला था पॉइंट, और काफी सारे उसके अंदर पॉइंट्स थे अगर आपको याद हो, रेफर टू इन सेक्शन 35AD के अंदर। वो 14 बिजनेस जो थे ना, 14 बिजनेस जो हमने किए थे, अगर उन बिजनेस के अंदर लॉस होता है, उन बिजनेस के अंदर अगर लॉस होता है, तो वो उन्हीं में से किसी बिजनेस में से सेट ऑफ हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन है, लॉसेज अंडर 35AD कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द इनकम अंडर सेक्शन 35AD। अंडर सेक्शन, मैंने एक होटल बनाया 2 स्टार और अबव, आपको याद होगा ये मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD में आता है, और वहां से मुझे लॉस हो गया, वहां से मुझे लॉस हो गया। मैंने एक हॉस्पिटल बना रखा है 100 बेड वाला, वहां से मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो लॉस होटल वाला उससे सेट ऑफ हो सकता है, बिकॉज दोनों 35AD में आते हैं। 35AD, मैंने एक होटल बनाया जिसकी डिडक्शन मैंने 35AD में ली थी, मेरे पास एक क्लोथ बिजनेस भी है, मैं कपड़े का व्यापारी भी हूं, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो 35AD के लॉसेस होते हैं, उन्हें आप 35AD की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा। अगर मेरे ज्वेलरी बिजनेस का लॉस है जो 35AD में नहीं आता, 35AD में नहीं आता, ज्वेलरी बिजनेस का लॉस है, लेकिन मेरे पास इनकम 35AD के बिजनेस की है, कैन आई सेट ऑफ और नॉट? क्या मैं उसे सेट ऑफ कर सकता हूं? यस, आंसर है यस, कर सकते हैं सर। कब बोला हमने कि ज्वेलरी के लॉस सेट ऑफ नहीं होते? हो सकते हैं, हमने तो 35AD के लॉस को मना किया है, ज्वेलरी के बिजनेस को लॉस को थोड़ी मना किया है। तो 35AD के बिजनेस का लॉस सिर्फ 35AD की इनकम से होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा। आगे लिखा है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। देखिए, ये क्या बिजनेस होता है लोगों को, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, बड़े ध्यान सुनना। एक शख्स थे हमारे इंडिया में, जो आजकल इंडिया में है नहीं, इंडिया से बाहर जा चुके हैं, भाग चुके हैं इंडिया से, दैट इज विजय माल्या। नाम तो आपने सुना ही होगा विजय माल्या का। अच्छा, विजय माल्या का पता क्या बिजनेस है? वो जो रेस होती है ना, घोड़ों की रेस, मूवी में देखो आपने, डर्बन, साउथ अफ्रीका रेस, हॉर्स रेस, सैफ अली खान, जॉन इब्राहिम, अक्षय खन्ना, अरे अरे वही वाली रेस, घोड़ों की जो रेस होती है, मूवी वाली रेस नहीं, कार रेस नहीं कर रहा हूं, घोड़ों की रेस। उसमें ना विजय माल्या के घोड़े दौड़ते हैं। विजय माल्या क्या करता है, हॉर्सेस को ओन करता है, ट्रेन करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, मेंटेन करता है, उनको मेंटेन करता है, और फिर वो रेस में दौड़ते हैं। जब विजय माल्या का घोड़ा हॉर्स रेस में जीत जाता है, तो जितने लोगों ने भी विनिंग, जो लोग भी उस पर प्राइज जीतते हैं, उस घोड़े के ऊपर जिन्होंने बैट लगाई होती है, उनके उनकी जीती हुई मनी में से कुछ पोर्शन विजय माल्या को मिलता है। तो यह विजय माल्या की इनकम होती है, ये विजय माल्या की इनकम होती है। विजय माल्या हॉर्सेस को ओनिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, मेंटेनिंग करता है, और जब वो घोड़े रेस में दौड़ते हैं और जब वो घोड़ा जीत जाता है, तो जितनी बैटिंग लोगों ने उस पर की होती है, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन विजय माल्या को भी दिया जाता है। ये विजय माल्या की अलग इनकम है। मैं बैटिंग वाली इनकम नहीं कर रहा, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बैट जीत रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो विजय माल्या को मिल रहा है। तो विजय माल्या को हॉर्सेस के ओनिंग ट्रेनिंग करने से पैसा मिलता है। अब अगर वो घोड़ा हार जाए, अगर वो घोड़ा नहीं जीते, तो विजय माल्या को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि विजय माल्या ने जो ओन ट्रेन मेंटेन करने पर
खर्चा किया था वो सारा उसका लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ये आपके सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से हो सकता है। आपका स्टड फॉर्म है, आपके पास दूसरे भी घोड़े हैं, एक घोड़ा हार गया दूसरा घोड़ा जीत गया, तो वहां का जो लॉस हुआ था वो दूसरे घोड़े की इनकम में से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं, किसी और इनकम में से नहीं कर सकते। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के जो लॉसेज है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। एक्सेप्शन चल रही है, एक्सेप्शन चल रही है, हर किसी से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर सेट ऑफ हो पाएगा। स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन इनकम से ही हो पाएगा। 35AD का लॉस 35AD की इनकम से ही हो पाएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से ही हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉटरी एटसेट्रा। अगर आपने कोई लॉटरी से लॉस हुआ आपका बैटिंग, ये मतलब मैं आपको बोलूंगा, अगर हमने आपको याद हो हमने एक चैप्टर पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वहां पर हमने एक पढ़ा था कैजुअल इनकम। इफ यू रिमेंबर हमने एक वहां पे कैजुअल इनकम पढ़ा था। कैजुअल इनकम का मतलब होता है कि आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, बैटिंग मतलब बैटिंग वो ओनली मेंटेनिंग नहीं बोल रहा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, या जैसे उसमें कोई गेम शो से विनिंग हुआ, विनिंग बेसिकली दे आर टारगेटिंग ऑन द विनिंग मनी, आपको वहां से पैसा होता है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। लेकिन सपोज करो आपको वहां पर विनिंग नहीं हुई, तो जो आपने लॉटरी परचेज की थी वो लॉटरी आपको नहीं निकली, आपको विन नहीं हुआ, तो वो लॉटरी का लॉस हो गया। बैटिंग की आपने, बैटिंग नहीं आप जीते, बैटिंग का लॉस हो गया, उन पैसों के लॉस का क्या होगा? लॉ कहता है नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ एट ऑल, वो सेट ऑफ नहीं होंगे। अगर आपको कैजुअल इनकम होती है तो वो आपको टैक्सेबल होती है, बट अगर इस कैजुअल इनकम ना होकर आपको लॉस हो जाता है तो दैट इज नॉट अलाउड, इसका कुछ भी नहीं होगा। दिस लॉस इज नोन एज डेड लॉस, इसे डेड लॉस कहते हैं। ये लॉस ना आपका सेट ऑफ हो पाएगा, ना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इस लॉस का, that will be dead loss, इसे dead loss कहेंगे। Next है loss from a source which is exempt, not allowed to be set off at all। मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, पनिशमेंट तभी मिलनी चाहिए अगर अवार्ड भी साथ में साइमल्टेनियसली कैरी करता हो। मतलब अगर सही करने पे अवार्ड मिलता है तो गलत करने पे पनिशमेंट बनती है, लेकिन अगर सही करने पे कोई अवार्ड नहीं मिलता तो गलत पे पेनल्टी क्यों, पनिशमेंट क्यों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी इनकम होती है, हम आपको इनकम टैक्स लगाते हैं, तो जब लॉस होता है तो हमें सेट ऑफ भी मिलना चाहिए। देखो इसीलिए चैप्टर है कि हम आपकी इनकम होने पर आपको टैक्स लगाते हैं। इट्स अ वन काइंड ऑफ पनिशमेंट, एक तरह से आपको पनिशमेंट है, आपने पैसे कमाए, ओ माई गॉड अपने पैसे कमाए, चलो टैक्स दो। लेकिन जब आपको लॉस होगा तो हम भी तो आपको सेट ऑफ देंगे, बिकॉज जब इनकम होने वाला आपको टैक्स करते हैं तो लॉस होने पर आपको बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको इनकम होने पर टैक्स ही ना करें तो फिर लॉस होने पर आपको बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो अगर कोई आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट माफ है, तो उस इनकम से रिलेटेड जो लॉस है वो भी फिर डेड लॉस है, वो सेट ऑफ नहीं होंगे। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं होती, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम भी सेट ऑफ नहीं होगा, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम भी सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पहला पॉइंट था ये मेरा। दूसरा, अगर आपको याद हो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कुछ याद आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन याद है? एक सेक्शन था 10 क्लॉज 38 याद आया? 1038 में क्या लिखा था? अगर आपको इक्विटी शेयर्स या कोई यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या कोई यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसे आप लॉन्ग टर्म होने के बाद बेचते हैं और उस पर आप एसटीटी पे करते हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, याद आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो प्लीज अगर उस वक्त गेन ना हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ भी नहीं होगा, बिकॉज गेन होने पर हम आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो लॉस होने पर आपको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। मैं यहां पर लिखूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस
under section 1038 is dead loss. Why? Because अगर यही long term capital loss की जगह long term capital gain आया होता तो आप उसे exempt करवाते, अब आप set off करा, माफ करवाइए, अब आपको loss भी allowed नहीं होगा. Next point है loss under the head capital gain. Last point, F point, loss under the head capital gain. ये point शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छा point है, loss under the head capital gain अच्छा क्यों है मैं आपको बताता हूं. ये बात, ये पॉइंट अच्छा इसलिए है लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, बिकॉज यही तो था मेन एक्सेप्शन जब मैंने सेक्शन 70 शुरू किया था. जब मैंने सेक्शन 70 शुरू किया था, वो दिखाऊं ये वाला, तो वहां लिखा था अदर देन कैपिटल गेन. अदर देन कैपिटल गेन मेन एक्सेप्शन तो यही थी, ये कुछ एक्सेप्शन एक्स्ट्रा आ गई जो हमने पढ़ ली, लेकिन मेन तो ये वाली थी. आइए मैं आपको इसको लेके चलता हूं अलग से. यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्सेप्शन है लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन वो कैसे ट्रीट किया जाएगा. देखो दो तरह के लॉस हो सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. ठीक है, पहले बेटा मेरी बात सुना, आप लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल गेन का चैप्टर तो किया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो सेट ऑफ हो सकता है, हम मना नहीं करेंगे, वो सेट ऑफ हो सकता है, बट ओनली एंड ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दैट इज द रीजन कि ये पॉइंट एक्सेप्शन है, बिकॉज देखो कैपिटल गेन के अंदर जो सोर्सेज है वो मैक्सिमम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ही हो सकते हैं. अब बिजनेस में तो कपड़े का बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, किराने का हो सकता है, कोई और 36 तरह के बिजनेस हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन 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 कैपिटल गेन के अंदर जो है वो दो ही तरह के गेन हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. तो पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, वो सिर्फ सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो और चाहो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो, ये आपकी चॉइस है, हम आपको रोकेंगे नहीं, आपकी मर्जी है. शॉर्ट टर्म के लिए हमारी तरफ से ऑप्शन है, आप जिसमें चाहो सेट ऑफ कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म हम आपको सेट ऑफ करने देंगे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. कंसेप्ट समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया. अब मैं छोटी सी बात करूंगा, उस बात को बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, जो मैं डिस्कशन करूंगा उस डिस्कशन को बड़े ध्यान सुनना. मान लीजिए मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख. अब बताइए प्लीज इनमें, इस क्वेश्चन में मेरा लॉस कौन सा है. लॉस आप बोलेंगे सर लॉस तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और कोई लॉस नहीं है. मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, लॉस तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है. मैं पूछूंगा बताइए ये लॉस अब मैं किससे सेट ऑफ कर सकता हूं. आप बोलेंगे सर ये आपकी चॉइस है कि आपको किससे सेट ऑफ करना है, आप चाहो लॉन्ग टर्म से कर लो, आप चाहो शॉर्ट टर्म से कर लो, कोई रुकावट नहीं है, ये प्योरली आपकी मर्जी है. बिल्कुल ठीक बात है, ये मेरी मर्जी है, बिकॉज मैं करूं किससे, लेकिन फिर मेरी एडवाइस भी तो दो सर, बताया ना मर्जी है किसी से भी कर लो. ऐसे थोड़ी होता है, जब ऑप्शन मिलती है तो हमें कोई एक ऑप्शन चूज करनी होती है, हम आंखें बंद करके चूज करेंगे या विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस. यस, हम वो ऑप्शन चूज करेंगे विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस, जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है हम वो वाली ऑप्शन चूज करेंगे. और पता है मैं बताऊं मेरे लिए कौन सी ज्यादा ऑप्शन है. देखो मैं अपने आप को एक अमीर आदमी मान के चलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, हम अमीर आदमी के अकॉर्डिंग टैक्स पढ़ते हैं, गरीब आदमी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते. अगर गरीब आदमी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे वो तो बोलेगा मेरी इनकम 2.5 लाख से कम में हो गया, खत्म टैक्स, चलो कर दो बंद. ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं. देखो एक अमीर आदमी की जो इनकम है वो 10 लाख से ऊपर होने पर उसका जो रेट है टैक्स का वो 30% चला जाता है, स्लैब रेट, पता ही होगा आपको 30% स्लैब रेट चला जाता है, एम आई राइट. सुनो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना वो स्लैब में टैक्स होता है, स्लैब में, स्लैब में मतलब नॉर्मल इनकम की तरह माना जाता है. इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक अमीर आदमी के लिए 30% के हिसाब से टैक्स हो जाता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट 30% होता है, बिल्कुल भी नहीं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है, यानी कि स्लैब के अंदर इंक्लूड होता है, शामिल होता है. तो वो भी अगर एक अमीर आदमी होगा तो उसकी लास्ट की इनकम माने तो 30% चला जाएगा. और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना वो होता है एट द रेट ऑफ 20%. जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे टैक्सेबल होता है. देखो अब अगर आप शॉर्ट टर्म को
लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करोगे, लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करोगे तो आपको इस पर 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए देना पड़ेगा और ये कट जाएगा आपस में। या आप इससे सेट ऑफ करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म पर टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, प्लीज आप ही बता दो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, मुझे शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ करना चाहिए या शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म से। यस, यहां पर मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को फर्स्ट शॉर्ट टर्म से ही सेट ऑफ करना चाहिए एंड देन अगर बैलेंस बचे तो फिर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब सर, अरे अगर ऊपर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 होता, अगर इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 होता और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1,00,000 होता तो मैं 80 सेट ऑफ कर लेता, बाकी 20 तो सेट ऑफ हुआ ही नहीं। तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि बाकी 20 कैरी कर दूं, अगली बार शॉर्ट टर्म से कर लूंगा, नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म अगर मेरे पास है तो मुझे लॉन्ग टर्म से करना पड़ेगा। मेरी च्वाइस नहीं है कि मैं करूं कि नहीं करूं, मुझे पहले, ये मेरी च्वाइस है मैं पहले किससे करूं, ये मेरी चॉइस है कि मैं पहले किसे सेट ऑफ करूं, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है कि मैं करूं या ना करूं। अगर इनकम अवेलेबल है तो मेरे को सेट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं पहले शॉर्ट टर्म से करूंगा या लॉन्ग टर्म से, मैं पहले शॉर्ट टर्म से करूंगा। अब देखो, अब मैं आपको इसको और आगे लेके चलता हूं। मान लीजिए मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मेरे सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस और मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। सेम क्वेश्चन 1,00,000 और मैं एक अमीर आदमी हूं, मेरी इनकम 10,00,000 से ऊपर है, मैं बोलूं ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरे पास पहले वाला, ये मेरा है वो वाला जो अंडर सेक्शन 111A में आता है, आपको पता है, आप कैपिटल गेन में से पढ़ चुके हो कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में आता है वो स्पेशल टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है वो स्पेशल टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 15%, वो सीधा एट द रेट ऑफ 15% पे टैक्स होता है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो वो स्लैब में नहीं आता है, वो स्लैब की इनकम के रेट से हिसाब से टैक्स नहीं होता। और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स होता है सीधा एट द रेट ऑफ 20%। अब बताइए इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मुझे पहले किससे सेट ऑफ करना चाहिए, शॉर्ट टर्म से करना चाहिए लॉन्ग टर्म से? यस, अब मुझे पहले लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करना चाहिए और इस पर मुझे 15% टैक्स देना चाहिए, और अगर इसे मैं उधर सेट ऑफ कर दूंगा तो 15% से सेट ऑफ हो जाएगा, टैक्स मुझे 20 से देना पड़ जाएगा। यस, मैं ये ऑप्शन चूज कर सकता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फर्स्ट सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड देन सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 111A वाला है। बिल्कुल हर क्वेश्चन में जहां सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगी मुझे चेक करना पड़ेगा किस में मेरे को ज्यादा फायदा है, मुझे वही ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। अगर मैं दूसरी ऑप्शन चूज कर लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। प्लीज मुझे बताइए आपको लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज टेल मी आपको लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको एक्सेप्शन अंडर द हेड जो एक्सेप्शन है सेक्शन 70 की, इंट्रा हेड की एक्सेप्शन है वो सारी करवा दी है मैंने आपको, एक्सेप्शन करवा दी है, इंट्रा हेड करवा दिया है, इंट्रा हेड हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ इंट्रा इंटर, इंट्रा में एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं प्रोवाइडेड दोनों सोर्स के लॉस सेम, प्रोवाइडेड दोनों सोर्स सेम हेड के अंदर आने चाहिए लेकिन कैपिटल गेन के सोर्स को हेड को छोड़कर। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर एक्सेप्शन है जहां वन सोर्स अनदर सोर्स से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा या फिर किसी स्पेसिफिक से ही सेट ऑफ हो पाएगा, जैसे स्पेकुलेशन लॉस है तो स्पेकुलेशन इनकम से ही हो पाएगा और किसी से नहीं हो पाएगा, नॉन स्पेकुलेशन से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। जैसे ओनली वन मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है तो वो ओनली वन मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से हो पाएगा, जैसे 35AD के बिजनेस का लॉस है तो 35AD की बिजनेस की इनकम से ही हो पाएगा, लॉटरी का लॉस सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा लॉस है जिससे इनकम पहले एग्जेम्प्ट रहती है
तो वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। कैपिटल गेन में हमने पढ़ लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से ही हो सकते हैं, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और किसी सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं।